भोपाल में शाहपुरा थाना और क्राइम ब्रांच ने ट्रायलॉजी हुक्का लॉन्च पर छापेमार कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। बताया जा रहा है कि हुक्का लॉन्च में अवैध तरीके से हुक्का और शराब परोसी जा रही थी। हुक्का लॉन्च में चल रही पार्टी में कई नामी गिरामी लोग मौजूद थे। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल स्थित ट्रायलॉजी हुक्का लॉन्च पर क्राइम ब्रांच ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। हुक्का लॉन्च पर रात 12 बजे से 3 बजे तक कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि हुक्का लॉन्च में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। हुक्का लॉन्च से हुक्का के साथ अवैध शराब भी जब्त की गई है। शराब की बोतलों को डीजे सिस्टम के अंदर छुपा कर रखा गया था। पार्टी में आए करीब 30 से 40 नामी गिरामी युवक युवतियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भोपाल स्टंट राइडर बाबर खान और एक कपड़ा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नावेद खान पार्टी में रंगे हाथ पकड़े गए। नावेद खान के पास से छुरी बरामद होने के कारण नावेद पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं हनी ट्रैप में फंसकर सरकारी गवाह बनी प्रीति सिंह भी पार्टी में मौजूद रही। पुलिस ने पार्टी में मौजूद फैज शरीफ, मोनिस जमील, साक्षी शर्मा, रूपल जैन, फाइज अंसारी, सैम अजीज सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर मिलते ही नेता एक्टिव हो गए और अपने लोगों को बचाने में जुट गए। सूचना मिलते ही सुबह 4:30 बजे एक पार्षद क्राइम ब्रांच में आरोपियों की जमानत कराने पहुंच गए। इस लॉन्च पर कांग्रेस से जुड़े लोग हमेशा देखे जाते रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।